दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर अपने अजय नागर यानी कैरी भाई को जोगेंद्र को रोस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों सबसे पहले तो यह जान लेते हैं यह थारा भाई जोगेंद्र है कौन और यह क्यों इतना वायरल हुआ। आपने भी थारा भाई जोगेंद्र की कई फेमस यूट्यूबरों द्वारा की गई रोस्ट वीडियो को देखा होगा, क्योंकि हर किसी को दूसरे की बेइज्जती देखने का अलग ही मजा आता है और इस तरह के कंटेंट में भर भर कर व्यूज और लाइक्स आते हैं और इन्हीं लाइक्स और व्यूज के चक्कर में हर कोई जोगेंद्र के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि आखिर यह थारा भाई जोगेंद्र है कौन। हरियाणा में रहने वाले जोगेंद्र 28 साल के हैं और इनके पिता की मृत्यु सिर्फ इनके जन्म के 2 साल के अंदर हो गई थी, इसलिए जोगेंद्र और उनकी बहन उनकी माँ के साथ रहते हैं। अब दोस्तों यह जान लेते हैं कि आखिर यह शुरू में फेमस कैसे हुआ, यानी जोगेंद्र की वीडियो वायरल कैसे हुई। इसकी शुरुआत हुई थी कोरोना के पहले लॉकडाउन से, जिसमें इन्होंने बाबी कटारिया की तरह लोगों की मदद करके वीडियो बनाकर उसे टिकटॉक पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों को इनकी मदद करना दूसरों का मजाक उड़ाने की तरह लगने लगा और इसी के चलते लोग जोगेंद्र का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जोगेंद्र ने कुछ ही दिनों में टिकटॉक पर अच्छे खासे फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए थे। अब दोस्तों अपने वीडियो के सबसे मेन पॉइंट पर आते हैं। सबसे बड़ी बात, थारा भाई जोगेंद्र के पीछे कोई लगा नहीं, यानी उसकी किसी ने रोस्ट करने की शुरुआत नहीं की, बल्कि ऐसा करने के लिए उसने खुद लोगों को मजबूर किया। इसकी शुरुआत जोगेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम से यूट्यूबरों को भला बुरा कहने से की। एक यूट्यूबर ने तो ये भी कहा कि अगर जोगेंद्र को सारे यूट्यूब रोस्टरों की वीडियो अच्छी नहीं लगती हो तो वह सबसे बात करके इनकी वीडियो को डिलीट करवा देगा, लेकिन जोगेंद्र खुद नहीं चाहते कि उन्हें सब भूल जाएं, इसलिए वीडियो डिलीट करने से मना कर दिया ताकि हर कोई जोगेंद्र को याद रख सके और लोगों के बीच उनकी बातें होती रहें। खैर कुछ भी हो, जोगेंद्र कर तो हमारा मनोरंजन ही रहे हैं ना। लेकिन कैरी मिनाटी और जोगेंद्र के बीच का यह बवंडर कब स्टार्ट हुआ, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। कैरी मिनाटी जो कि अपने गेमिंग चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, उसी बीच उनके एक सब्सक्राइबर ने उन्हें एक चैलेंज दिया जिसमें उसने जोगेंद्र को 30 सेकंड के अंदर रोस्ट करने को कहा। कैरी ने कैसे रोस्ट किया जोगेंद्र को, आप अपने आप ही देख लीजिए कि इस वीडियो में कैरी ने क्या कहा जोगेंद्र को। लॉट्स ऑफ लव ब्रो, स्मॉल चैलेंज फॉर यू, कैन यू प्लीज रोस्ट थारा भाई जोगेंद्र इन 30 सेकंड। जोगेंद्र, थारा भाई जोगेंद्र, जोगेंद्र थारा भाई जोगेंद्र, पिछले 6.5 साल से इस वीडियो में कैरी ने जोगेंद्र को क्या गलत कहा हमें तो पता नहीं। इससे जोगेंद्र को इतना बुरा लगा कि उसने कुछ इस तरह का रिएक्शन वीडियो कैरी के लिए बनाया कि जिससे कोई भी चिढ़ जाए। अब जरा इस वीडियो को भी आप देख लीजिए। क्या मेरे सामने ये बताओ कैरी मिनाटी, अगर फूंक मार दूंगा ना आसमान में उड़ जाएगा, ये है तेरी औकात। एक बार अपनी वीडियो देख किससे पूछ के रोस्ट मार रहा है। तू रोस्ट मारेगा कैरी मिनाटी चश्मे, तेरे को दिखता नहीं दिन में, चश्मे लगा के तू रोस्ट मारता है। हमारे इंडिया में बच्चा बच्चा रोस्ट मार सकता है, समझ में आ गई। थारा भाई जोगेंद्र का रोस्ट सुन लिए, तेरे पैर के नीचे से जमीन घिसक जाएगी, अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा तेरे पूरे शरीर में। देख अपनी वीडियो। थारा भाई जोगेंद्र इन 30 सेकंड। थारा भाई जोगेंद्र पिछले 6.5 साल से ये वाला जो फेफड़ा है ना, ये वाला फेफड़ा भाई का फ्रैक्चर है भाई, तब भी जिंदा है, समझ लो जिंदा भाई। कैसे मारता हूँ इतनी तेज तेज। थारा भाई जोगेंद्र, ओ अड्डी जा के मूली के परांठे खा ले, पहले जा गोलगप्पे खा ले रोड पे साइड में खड़ा होके, उसके बाद छाती में घुसंड मारिए। तू बराबरी करेगा क्या बवंडर की? बवंडर है नाम बवंडर, कान खोल के सुन लिए, अगली बार सोच समझ के तहमीज में रोस्ट मारना अगर किसी को रोस्ट मारे। तेरी औकात क्या रोस्ट मारने की मेरे को ये बता। जोगेंद्र की अगर औकात चेक करनी हो ना, अपने पड़ोसियों से जाकर पूछ लिए भाई। यहाँ तक तो बात ठीक थी, कैरी और जोगेंद्र के बीच एक तरह की एस टू एस यानी सोशल मीडिया टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लड़ाई शुरू हो चुकी थी। लेकिन इस एस टू एस लड़ाई में इंडिया के और रोस्टर और यूट्यूबर कब कूदे, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। इस कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग होती है टॉक्सिक नाम के यूट्यूब चैनल से। इस चैनल पर थारा भाई जोगेंद्र को रोस्ट करने का एक वीडियो अपलोड हुआ था, यही थी यूट्यूब पर वह पहली वीडियो जिसमें जोगेंद्र को रोस्ट किया गया था। और जब जोगेंद्र को इस बारे में पता लगता है तब उसने इंस्टाग्राम पर रिप्लाई देते हुए सारी रोस्ट कम्युनिटी को बहुत कुछ भला बुरा कहा था।
इसके बाद तालेसिक ने गुस्से में दोबारा रोस्ट वीडियो बनाया और फिर यहीं से मामला बवंडर और भोचाल की तरह पूरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फैलने लगा। इसके बाद जोगिंदर की हजारों रोस्टरों ने वीडियो बनाई और वीडियो यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगी और इन वीडियो को देखकर थारा भाई जोगिंदर का क्या रिएक्शन था उसे भी देख लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करा दिया गया कल रात को, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गई, मेरे को फोन आ रहे हैं, धमकी आ रही है मेरे को। कोई नहीं यार, हम गरीब है, ठीक है यार, कब तक गरीब की आवाज दबेगी। आज थारा भाई जोगिंदर की आवाज दबाई जा रही है। कोई नहीं यार, यही कहूंगा कि मेरे जितने भाई यूट्यूबर है ना, सब खुश रहो यार। आप लोगों ने जो रोस्टिंग का धंधा बना रखा है, चलाओ यार, बहुत बढ़िया। अरे भाई, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। पब्लिक कितनी गाली बके मेरे को, कितनी भी गाली बके पब्लिक मेरे को कि जोगिंदर तू ये है वो है यार, तब अपने दिल पे बीतती है ना, तब पता चलता है। मैं तब बोला था, इन लोगों ने मेरे को गाली दी, मेरे को रोस्ट किया, मैंने इनका रिप्लाई किया, तो पब्लिक पता क्या बोल रही है कि जोगिंदर तू क्या गाली खा रहा है यार। सब बोलने लगे रोड पे चलते हुए, और कुछ ये मेरे को बोल रहा है कमेंट में कि यार जोगिंदर तू फेम के लेकर रहा है, क्या करूंगा ऐसे फेम का मैं, जो पब्लिक गाली बकती है कमेंट में आके, मेरे को ऐसा फेम नहीं चाहिए। इनने बनाया तो इनको पब्लिक सपोर्ट करती है, मैंने कुछ नया करने की कोशिश करी तो पब्लिक ने मेरे को गाली दे देकर इनको सपोर्ट कर मेरे को बदनामी कर दिया पूरा का पूरा यार। हर जगह मीम पेज में मेरे बारे में चल रही है बातें, पूरे यूट्यूब पे मेरे बारे में बात चल रही है, पर कभी किसी ने मेरे आके दिल से ये नहीं पूछा कि जोगिंदर भाई आपके दिल में क्या चल रहा है। अगर यहाँ तक वीडियो में आप हमारे साथ बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, हो सकता है अगले सीजन के बिग बॉस में जोगिंदर और उनके मजेदार कॉमेडी सीन भी देखने को मिले, क्योंकि सलमान खान ने भी जोगिंदर के स्टाइल में बिग बॉस में एंट्री की थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।